खंडवा जिले में पंचायत सचिव और सहायक सचिवों के साथ उपद्रवियों द्वारा आए दिन मारपीट, गाली गलौज और जानलेवा हमले की घटनाओं पर रोक लगाकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। जिले के समस्त सचिवों द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में बताया गया कि शासन द्वारा चलाए जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को मैदानी योद्धा के रूप में बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाले पंचायत सचिव एवं सहायक सचिवों के साथ आए दिन ग्रामीण मारपीट और जानलेवा हमले जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही हादसा खंडवा जिले के बड़गांव गुर्जर पंचायत के सचिव लच्छीराम तिरोलो के साथ पेश आया। ग्रामीण शुभम उर्फ मलखान पिता ग्रामीण शुभम उर्फ मलखान पिता काशीराम द्वारा नल में पानी नहीं आने की बात को लेकर पहले गाली गलौज फिर धारदार हथियार से चेहरे पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया गया, जिन्हें गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय खंडवा में भर्ती कराया गया। सचिवों ने एसपी कार्यालय पर धरना दिया और नारेबाजी की। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। बहुत हम्बली रिक्वेस्ट है मैम, मैडम गुजरात कोई वो नहीं कर रहे हैं, यदि आज कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगामी दिनों में पंचायत में तालाबंदी रहेगी, पंचायत में तालाबंदी करेंगे। ये सूचना भी कर रहे हैं शासन के संगठन के माध्यम से, यदि कल तक कार्रवाई नहीं होती है अरे भैया तालाबंदी करेंगे पंचायत। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 तारीख को हमारे साथी के साथ जो घटना हुई है, पुलिस द्वारा हल्की पुल्की घटना को मान के अपराधियों को जमानत दी गई है। उसी संबंध में 3 तारीख को विधानसभा चुनाव थे, कल हम आ नहीं पाए, हम आज 5 तारीख को इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि स्वयं पंचायत सचिव जो शासकीय कर्मचारी है, जिस पर लोहे के धारदार हथियार के निशान है, स्वयं हथियार के निशान दिख रहे हैं, जिस पर पुलिस ने हल्की धारा के कारण कायमी नहीं है, अपराधी को मात्र 3-4 घंटे थाने में बैठा के छोड़ दिया गया। मैं प्रदेश सचिव संगठन के माध्यम से ये सूचना कर रहा हूँ, यदि अपराधियों पे धारा नहीं लगती है 307 हाफ मर्डर वगैरह, तो यदि नहीं लगती है तो भविष्य में हम कल से पंचायतों में तालाबंदी करेंगे, पंचायतों में कार्य नहीं करेंगे। हम मध्य प्रदेश शासन की 28 जन कल्याणकारी योजना चलाते हैं, हम ग्रामीणों के बीच में रहते हैं, कुछ ग्रामीण जो उपद्रव है, जो असामाजिक तत्व है, उनके द्वारा पंचायत ग्रामीण विकास की योजनाओं को पालन नहीं करने की अनुशंसा रहती है, ऐसे ही लोग हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं। हम चाहते हैं शासन से प्रशासन से कि हमारी मदद करें, हमें सुरक्षा मुहैया कराएं, भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। यदि हमारे साथी को हथियार से ज़्यादा लग जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी और उसके बच्चों का क्या होता भविष्य में आप लोग सभी जानते हैं। बस मैं रजाक खान, प्रदेश सचिव पंचायत सचिव महासंघ भोपाल से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।